तो चलिए अब बात कर लेते हैं तेलंगाना के बुनकरों की। नारायणपेट की साड़ियां पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन उनको बनाने वाले बुनकर बदहाली के आंसू रो रहे हैं। सरकार ने वायदे तो बहुत किए, लेकिन कभी उनकी दुखती रग को सहलाने के लिए कुछ नहीं किया। पेश है नारायणपेट के बुनकर गांव कोट कोंडा से हमारे संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये दास्तान है तेलंगाना के जिला नारायणपेट साड़ी बुनकरों के गांव कोट कोंडा की, जहां हर घर से आपको ये खटखट की आवाज सुनाई देगी। इस गांव के लोगों की कई पीढ़ियां प्रसिद्ध नारायणपेट साड़ियां बनाने में ही निकल गई। गले के कैंसर से पीड़ित ये मारकंडी हैं। पूरी जवानी साड़ियां बनाने के लिए हैंडलूम पर बिता दी। आज मारकंडी कैंसर के इलाज के लिए जूझ रहे हैं। बेहतर भविष्य के सपने मारकंडी की बेटी शाव्या की आंखों में आंसू बनकर डबडबा रहे हैं। न आयुष्मान कार्ड यहाँ सरकार ने लागू होने दिया और न ही राज्य सरकार से कोई सहायता मिल रही है। मेरे पिता इसी काम को शुरू से करते रहे हैं। मेरे पिता को कैंसर हो गया है। हमारा पूरा परिवार मुश्किल में है। सरकार ने हमारी किसी भी तरह की मदद नहीं की। मेरे पिता की तबीयत बहुत नाजुक है। सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए। पिता के इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। कृष्णवेड़ी के सिर से बुनकर पिता का साया पहले ही उठ गया था। माँ चंद्रिमा ही जो घर को हैंडलूम से चला रही थी, लेकिन 10 सितंबर 2022 को वो भी साथ छोड़ गई। उम्मीद थी कि राज्य सरकार से नेथना बीमा योजना से सहायता होगी, लेकिन अभी तक ढेला नहीं मिला। हैंडलूम में हमें बहुत दिक्कत है। मेरे माता पिता इसी काम को करते हुए मर गए। हमें कोई भी सहायता नहीं मिली। इस काम में कोई कमाई नहीं है, इसलिए मेरा पति दूसरे शहर जाकर मजदूरी कर रहा है। हैंडलूम वर्करों की लाचारी की कहानी यहाँ नहीं रुकती। गांव का ही कुर्मिया अपने हाथ से परेशान है। सुबह से शाम हैंडलूम चलाने से उसे हाथ में दिक्कत होने लगी है। दर्द के साथ सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि दो वक्त की रोटी उसके परिवार को मिल जाए। 10वीं के बाद मैंने अपने पिता के काम को संभाला। मेरी जिंदगी इसी पर निर्भर है। परिवार को मैं इसी से पाल रहा हूं। राज्य सरकार से मुझे कोई सहायता नहीं मिली है। इसी काम के कारण मेरे हाथ, पैर और कमर में परेशानी हो गई है। कोई इलाज नहीं मिल रहा और ना ही कोई सहायता। अजम्मा का ना तो पति रहा ना बच्चे। आज वो पूरी तरह से अनाथ है। सिर छुपाने को छत नहीं, काम करने को हैंडलूम नहीं। कुष्ठ रोग से पीड़ित है। हाथ और पैर सही से साथ नहीं देते, लेकिन फिर भी दूसरों के यहाँ मजदूरी करके बस पेट भर रही है। मेरा पति नहीं है, बेटा नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मेरा घर भी नहीं है, रिश्तेदारों के घर सर छुपा रही हूँ। मेरी हालत बहुत खराब है। दूसरों के घर काम करके अपना पेट भर रही हूँ। साड़ी के काम को करते करते कृष्ण नया जवानी से बुढ़ापे में प्रवेश कर गया, लेकिन इतना पैसा भी नहीं बना पाया कि एक ढंग की छत सिर पर हो। लोन लेने के लिए चप्पलें घिस दी, लेकिन लोन के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं मिली। मैंने कई बार लोन के लिए चक्कर लगाया, ना तो मुझे लोन मिला और ना ही घर। 15 दिन हम पति पत्नी काम करते हैं और बस 2000 रुपए मजदूरी मिलती है। कृष्णनया की माँ सत्यमा को ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन पेट की भूख है जिसको शांत करने के लिए अंधी होती जा रही आंखों को काम में लगाना पड़ता है। मैं बचपन से इसी काम को करती रही हूँ, जिसके कारण मेरी आंखों में दिक्कत हो गई है। मुझे किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं मिली। मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा और मेरे पैरों में भी दर्द होता है। अपने पूर्वजों की कला को संभालने का काम करने वाले युवाओं के सपने भी अब इस काम से टूट रहे हैं। प्रभाकर साड़ियों की डिजाइन भी बनाता है और हैंडलूम का काम भी करता है, लेकिन बेहतरी की कोई आस प्रभाकर को दिखाई नहीं देती। वो सब्सिडी लोन आया ना, वो क्या वो उसको अप्लाई करने को उसमें मुश्किल आता। वो साइट नहीं काम करता अच्छा, ऐसा वो कुछ नहीं मालूम। ऐसा बीच बीच में वो काम बंद होता करने का गए तो भी ऐसा। ये हैंडलूम का काम करने वाले कुछ घरों की कहानी नहीं है, बल्कि हर घर की किसी न किसी सहायता की आस में दिन गुजार रहा है। और आस है कि सिर्फ चुनाव